ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। ऐसे में कृषि जागरण की टीम आज आ पहुंची है नोएडा सेक्टर 108, जहां पर एक बहुत खूबसूरती तरीके से 20x20 फीट की जगह में एक पावर बैंक तैयार किया गया है। हम आपको उन शख्स से मिलाएंगे आज जो कि हर दिन पौधा लगाते हैं और फिर फ्री में बांटते भी हैं। तो चलिए फिर किस बात की देरी है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो आपने ऑक्सीजन बैंक को रेडी किया है, इसको रेडी करने का आइडिया आपके दिमाग में कब जनरेट हुआ, कब आपने सोचा कि हाँ मुझे ऐसा एक ऑक्सीजन बैंक तैयार करना है? देखिए, ऐसा है, पेड़ पौधों का शौक तो मेरे को पहले से ही था। पिछले 20 साल से मेरे को पेड़ पौधों से लगाव है। मैं तरह तरह के पौधे लगाता रहता हूँ और जो भी कंटेनर मेरे को मिल जाता है उसमें मैं पौधा लगा लेता हूँ। लेकिन जब कोरोना टाइम चल रहा था और ऑक्सीजन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ रही थी और ये देखा जा रहा था कि सिर्फ मरीज का बचाव ऑक्सीजन से ही है, तो तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों नहीं मैं अपने इसको एक ऑक्सीजन बैंक बनाऊं और इसमें तमाम ऐसे पौधे लगाऊं जो कि हवा को शुद्ध करते हैं, जो विषैले तत्वों को अपने में अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें अधिक से अधिक शुद्ध वायु देते हैं। इधर मेरे इधर देखेंगे तो तमाम इसमें ऐसे पौधे हैं, डिफिन बेचिया है, रबड़ प्लांट है, करोटन है, और इधर आएंगे तो और इधर हम देखते हैं तो और इधर है, ये स्नेक प्लांट है, एग्लोनीमा है, एग्लोनीमा की ये काफ़ी सारी वैरायटी हैं, एग्लोनीमा स्नेक प्लांट है, रेविस प्लांट है, इधर ये देखेंगे तो ये इंग्लिश आईवी है, तो तमाम इसमें ऐसे पौधे हैं मैक्सिमम जो हैं 99% जो हवा को शुद्ध करते हैं और हमें शुद्ध वायु को प्रदान करते हैं। सर, नॉर्मली हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत खास खास प्लांट्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो कुछ खास प्लांट्स के बारे में बताइए। हाँ देखिए, ऐसा है, इसमें मेरे ऑक्सीजन बैंक में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको एयर लेइंग प्लांट कहते हैं। ये प्लांट है स्पेनिश मॉस। इसको ये सिर्फ हवा से चलता है, इसको कोई पानी की और मिट्टी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्लांट है कॉटन कैंडी, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है पानी की और मिट्टी की, ये भी हवा से चलता है। और इसमें ये देखिए एक सुंदर फूल आएगा, ये फूल की तैयारी हो रही है। तो ऐसे और ऐसे भी रेयर प्लांट हैं, ये देखिए ये इसमें है लक्ष्मण फल, लक्ष्मण फल जो कि कैंसर में काम आता है। ये है तेज पत्ता, तेज पत्ता तो सभी जानते हैं हमारे सभी मसालों में काम आता है। और ये है मेरा सुपारी का प्लांट, तो ऐसे प्लांट हैं, काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो कि इन जनरल हमें कम देखने को मिलते हैं और मैं अपनी नर्सरी में लगातार कलेक्शन करता रहता हूँ ऐसे प्लांटों का जो भी मेरे को रेयर प्लांट मिलता है। इस ऑक्सीजन बैंक को आपने बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है, बहुत सारा सामान इसको इस्तेमाल किया है इसको सुंदर बनाने के लिए, तो सर बहुत सारे सामान आपको कहाँ से मिले, कहाँ से आपने इकट्ठा किया, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ऐसा है, इस ऑक्सीजन बैंक को बनाने के लिए मैंने मैक्सिमम 3R फार्मूले का यूज करा है। फिनाइल की बोतल है और इस फिनाइल की बोतल में मैंने प्लांट, इसी तरह ये कोक कोला की बोतल है जिसमें कि जेड प्लांट लगाकर, सिर्फ एक आपको पहले सोचना है कि उसको हमें वेस्ट नहीं, क्या हम यूज ला सकते हैं, तो हमें अपने वेस्ट का अधिक से अधिक यूज करना चाहिए। और ये देखिए, ये भी छोटे छोटे वेस्ट हैं जिनको कि मैंने यूज करा हुआ है, ये देखिए। तो ये किस चीज़ का, ये थोड़ा शेल लग रहा है मुझे किसी चीज़। हाँ, ये कोई एक वो क्या नाम, शेल मेरे को मिला था कहीं से, इस तरह का प्लांट जो है उसको मैंने कटिंग करके जो है इसका बनाया है। ये रहा, इस तरह का एक फल मेरे को मिला था, उस फल का कटिंग करके ये शेल मैंने इससे तैयार करे हैं। इसी तरह इसमें जो टाइलों का, पत्थरों का जो यूज करा गया है, वो सब वेस्ट जो भी हमारा
मटेरियल बच गया था जो भी टूट फूट का, वो सब मैंने इकट्ठा कर कर इसमें ये लगाया हुआ है। ये सारा वेस्ट मटेरियल, ये हरिद्वार से मैं पत्थर लाया था उसका ये मैंने अपने आप ये खुद बनाया है वेस्ट मटेरियल। ये देखिए, ये आरओ की बोतल होती है उसको भी मैंने प्लांटर का रूप दे दिया। और इसमें कितना सुंदर, ये भी मिक्सी का पार्ट है इसको भी मैंने प्लांटर का रूप दे दिया। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो वेस्ट हो सकती है। ऐसे ही ये बर्ड हाउसेज हैं, इन बर्ड हाउसेज को भी मैंने वेस्ट मटेरियल से तैयार करा हुआ है। सर, आपने अपने यहाँ पर द्रोणागिरी पर्वत भी तैयार किया हुआ है, जी तो जी, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी जी, देखिए ऐसा है, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो उस समय वो द्रोणागिरी पर्वत गए थे। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया था कि कौन सी बूटी ले जानी है, तो वो पूरा पर्वत का पर्वत उठा लाए थे, इसलिए इसको द्रोणागिरी पर्वत। और इसमें तमाम जितने भी मेरे को पौधे मिलते हैं, जंगली पौधे, ये पपोटन है, ये स्नेक प्लांट है, ये अश्वगंधा है, तो जितने भी पौधे मेरे को इधर उधर से मिलते हैं वो सब मैं इसमें सेट करता रहता हूँ। और ये कड़ी पत्ता है, एलोवेरा है, तो इसका नाम मैंने द्रोणागिरी पर्वत रखा हुआ है। सर, कितना समय लगता है आपको ये तैयार करने में? रोज आप इसमें वक्त देते होंगे? नहीं, ऐसा है, ये तो मैं काफ़ी टाइम से तैयार कर रहा हूँ, और इसमें रोज़ मैं 2 घंटे तैयार, मतलब 2 घंटे अपने इसको इसमें लगाता हूँ, अपना मॉर्निंग टाइम जो है, जिसमें मेरे को एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और भी यहाँ के एरिया के लोग, कॉलोनी के हमारे सेक्टर के लोग इस मेरे ऑक्सीजन बैंक में आकर सेल्फी लेते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बताते हैं, नए नए पौधों के बारे में बताते हैं, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। और इस ऑक्सीजन बैंक की मेरी एक और खासियत है, बिन मौसम के बारिश, यदि आपको बारिश का मूड कर रहा है, बारिश देखना चाहते हैं, तो मेरे इस ऑक्सीजन बैंक में बिन मौसम के बारिश होती है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, इतनी गर्मी में, इतने धूप में हम बिन मौसम बरसात का अभी आनंद लेंगे। इसमें मछलियाँ रहती हैं, सीजनल मैं प्लांट्स लगाता हूँ इसमें, और एक छोटा झरना, और ये भी सारा तमाम वेस्ट मटेरियल से तैयार करा हुआ है। सब कुछ वेस्ट मटेरियल से है, हम टर्टल देख सकते हैं, बहुत सारे रियल फिश देख सकते हैं, डियर है, डक है। और इस ऑक्सीजन बैंक में मेरी एक और चीज़ है, ट्रे गार्डन, क्योंकि आज के समय में स्पेस बहुत कम है, स्पेस की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो कम स्पेस में और हमारा गार्डन के लिए मन करता है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ट्रे गार्डन, एक छोटे से एरिए में पूरे गार्डन की लुक देना, उसमें पहाड़ भी, पेड़ भी, ये सारा कुछ। तो ये ट्रे गार्डन मैं कंपटीशंस में ले जाता हूँ, जब भी कंपटीशन होते हैं, दिल्ली सरकार का गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, नोएडा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का, तो ये पिछली बार इसमें मेरे को 2nd प्राइज मिला था। तो ये ट्रे गार्डन भी जिन लोगों के यहाँ कम जगह है उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रे गार्डन, छोटे से ही ट्रे में आप एक पूरा गार्डन का लुक दे सकते हैं। सर, वो आपने सीमेंट से तैयार किया है क्या? जी जी, ये भी सब वेस्ट मटेरियल से है। यहाँ पर सर ने हमें दिखाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8.23, 8.9 तक जा रहा है अप्रॉक्स, और बाहर के मुकाबले हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ की वायु भी इतना स्वच्छ है, हम खुद भी यहाँ पर खड़े हैं तो महसूस कर पा रहे हैं कि कितनी एकदम हमारी ब्रीदिंग भी बहुत स्मूथली हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, तो आपको कैसा लगा हमारे ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही ऐसी अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए यानी कृषि जागरण के साथ, और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।